मेरे परिवारजनों, ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है, लेकिन हमेशा स्थिति ऐसी नहीं थी। जो कई कई दशकों तक सरकार में रहे उसके नेता आज यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जो हमारे युवा साथी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ भाजपा का सरकार ही देखी है। उन्होंने तो एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश देखा है। विरोधी दलों के जो ये बड़बोले नेता हैं, इनको कई दशकों तक मध्य प्रदेश में शासन का मौका मिला था। उनके शासन काल में ग्वालियर चंबल में अन्याय और अत्याचार ही फला फूला। उनके शासन में सामाजिक न्याय हाशिए पर था। तब कमजोर की, दलित और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी। लोग कानून अपने हाथ में लेते थे। सामान्य जन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था। बहुत परिश्रम के हमारी सरकार इस क्षेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए, ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, यहां 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है, और इसलिए यहां डबल इंजन की सरकार जरूरी है।